हिंदुस्तान कोका कोला का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डासना जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में 1998 से चल रहा है। ये प्लांट स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी की एक जीती जागती मिसाल है। समुदाय से भागीदारी का एक स्वरूप 1999 में तब आया जबकि आसपास के 5 गांव पिपलेहरा, देहरा, नगला, खिचरा और हसनपुर को चुना गया। वर्षों के सार्थक प्रयत्न से 5 गांवों की स्थिति में सुधार से प्रोत्साहित होकर 2010 में 4 और गांव गालन, दीनानाथ पूठी, ककराना और नंदपुर को इसमें शामिल किया गया। आज इन 9 गांवों के करीब 20,000 परिवारों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका के माध्यम मुहैया कराए जा रहे हैं। हर बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे, सीखे और आगे बढ़े। कंपनी के इस कार्यक्रम के तहत 13 बालवाड़िया औपचारिक शिक्षा के प्रति बच्चों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जहां लगभग 6 साल तक के बच्चे हर रोज इकट्ठे होते हैं और तरह तरह के खेलों के जरिए पढ़ते, खेलते और बढ़ते हैं। अब बीटीसी में भी फॉर्म भर दिया है, आगे पढ़ने का इरादा है और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाती हूँ, कवर करती हूँ और बच्चों के साथ मन भी लगता है मेरा पढ़ाने। तकरीबन 5,040 बच्चे आज स्कूल की दहलीज पर कदम रख चुके हैं और इनमें से 75% बच्चे आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। समुदाय के लोगों को मेडिकल हेल्प की बहुत जरूरत थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ कैंपस समुदाय में लगाए गए, जिसके जरिए तकरीबन 44,700 लोगों तक सही चिकित्सा पहुंची। काफी दिन से बीमार थी, मैं डॉक्टरों से दवा लेके आती हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं लगता। ये कंपनी वाले आते हैं, इनसे मैं दवा लेती हूँ, कोकोला वाले से, इनसे मेरे को काफी आराम है, इस टाइम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महिलाएं जो डॉक्टर से बात करने में शर्माती थीं, वे खुलकर उनसे अपने रोग के बारे में बताने लगी। इन सब प्रयासों से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ, खास तौर से महिलाओं और बच्चों का। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आसपास सफाई जरूरी है। इन गांवों में लोगों को स्वच्छ रहन सहन के बारे में जागरूक किया और स्वच्छता अभियान भी चलाएं। महिलाएं सशक्त तो समाज सशक्त। खेतीबाड़ी और घर के कार्यों के बाद भी महिलाओं के पास काफी समय रहता था, जिसका सदुपयोग करने के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इन महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और उनको स्किल ट्रेनिंग दी, जिसका मकसद था कि वो खुद सशक्त हों और अपने जीवन को आगे ले जाने में समर्थ हो सकें। हमारे गांव में जो सिलाई सेंटर खुला है, उससे हमें बहुत फायदा हुआ है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हम सिलाई करके और कपड़े सिल के दूसरों के बहुत पैसे कमा सकते हैं। आज 800 से ज्यादा महिलाओं को तरह तरह की स्किल ट्रेनिंग दी गई है। हमारी 13 बालवाड़ियां आज चल रही हैं। हमारी महिलाएं सार्थक सेंटर के थ्रू, जो कि काफी उनको ट्रेनिंग दे रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि वो कमा पाए। फाइनली हमने 2016 में टिफिन सर्विस शुरू किया था। जब हमने टिफिन सर्विस शुरू किया था, उस समय हम किराए के मकान में रहते थे। धीरे धीरे हमारी इतनी इनकम होने लगी साथ में कि मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने लगी। हमने फाइनली 2017 में अपना खुद का मकान खरीद लिया। 9 गांवों में करीब 60 स्वयं सहायता समूहों के साथ 600 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। प्रगति ट्रेनिंग, जो महिलाओं को हिंदुस्तान कोका कोला द्वारा दी जाती है। इस ट्रेनिंग में महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी द्वारा 500 से ज्यादा महिलाओं को प्रगति ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से कई महिलाएं अपनी छोटी छोटी दुकानों को चलाने के साथ साथ अपना घर भी चलाती हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी। आज 2 गांवों में जैविक खाद बनाने के लिए फैमिली इंटरप्राइजेस चल रही है, जिसमें 13 परिवारों के लोग जुड़े हुए हैं। उनमें से एक परिवार मेरा भी है, जो स्वरोजगार की योजना
उम्मीद है और भविष्य में मैं जानता हूँ कि इससे बहुत बड़ा जो है मेरे पर लाभ और बहुत बड़ी उम्मीद है। इनमें से प्रत्येक परिवार की आमदनी लगभग 2,500 से 3,000 रुपए प्रति महीना है। युवा देश और समाज का भविष्य हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए 2011 में करियर डेवलपमेंट सेंटर CDC की शुरुआत NIIT फाउंडेशन के साथ मिलकर हुई। इसका उद्देश्य शिक्षित और बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे अपनी रोजगार योग्यता बढ़ा सकें। CDC सेंटर जो कि एक NIIT फाउंडेशन के थ्रू हमने स्टार्ट किया है, उसमें जो अनप्रिविलेज यूथ हैं उनके लिए हमने ये एश्योर किया है कि उनको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर्स या रिटेल उनकी ट्रेनिंग देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें जॉब भी दिलवाई जाए। गांव की ये बदलती तस्वीर बरसों की मेहनत का नतीजा है, जहां लोगों ने हाथ बढ़ाया और हमारे साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक सुखद मोड़ दिया।